हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। संजय दत्त के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कौन सी खुशखबरी? धूम 3 के लिए आमिर खान की क्या है सीक्रेट प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, एक्सक्लूसिवली आपको बताएंगे पीबी न्यूज में। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में क्या है शाहरुख खान का रोल, एक्सक्लूसिव डिटेल्स बताएंगे एक खास स्टोरी में। सलमान खान ने किसे दिया 1.5 करोड़ रुपीस का तोहफा? कैटरीना कैफ के बाद अब रणबीर कपूर क्यों कर रहे हैं मीडिया को अवॉइड? सनी लियोनी ने फिल्म रागिनी MMS 2 में बोल्ड सीन्स करने से क्यों किया इनकार? क्या सलमान खान के रियलिटी शो में होगा ऋतिक की फिल्म क्रिश 3 का प्रमोशन? बताएंगे फिल्म बेशरम की फ्लॉप होने के बावजूद रणबीर कपूर को कैसे हुआ फायदा। ऑडियंसेस के बॉलीवुड ज्ञान को चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटरटी में। आमिर खान अपनी हर फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक खास प्रमोशनल प्लान बनाते हैं। ऐसे में धूम 3 जैसी फिल्म के लिए भी आमिर ने एक ग्रैंड प्रमोशनल प्लान बनाया है और इस प्लान की हर डिटेल को धूम 3 के मेकर्स अंडर रैप्स रख रहे हैं। लेकिन आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के दर्शकों के लिए हम आमिर के इस खास प्रमोशनल प्लान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आए हैं, टेक अ लुक। आमिर खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म आ रही है। आमिर खान ने इस फिल्म के प्रमोशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्लान बनाया है, लेकिन धूम 3 के लिए बनाया आमिर का ये जिम्बेस्टिक प्लान जूम के हाथ लग गया है। धूम 3 के लिए आमिर खान का 3-स्टेज प्लान। जूम को सोर्सेज ने बताया है कि धूम 3 के प्रमोशन की पूरी स्ट्रेटेजी आमिर खान के मुताबिक ही चलेगी। भले ही धूम 3 बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी यशराज की फिल्म हो, पर अगर इस बार उन्हें बॉक्स ऑफिस के अब तक बने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ना है तो उन्हें आमिर खान की बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आमिर जब मार्केट में अपनी फिल्म लेकर आते हैं और उस फिल्म से वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं तो फिर वो कोई कसर नहीं छोड़ते कि उनकी फिल्म फिल्म बिजनेस के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स को ना तोड़े। सोर्सेज ने बताया है कि धूम 3 के प्रमोशन प्लान्स को डिस्कस करने के लिए आमिर खान ने धूम 3 के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम के साथ कई घंटे की क्लोज डोर मीटिंग की। मीटिंग शुरू होते ही आमिर ने साफ कर दिया कि वो अपनी पिछली फिल्म तलाश से उतने खुश नहीं थे, इसीलिए तलाश के प्रमोशंस में उन्होंने उतना एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। लेकिन इस बार आमिर खान का इरादा शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस के अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ देने का है, इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रमोशंस के लिए मीडिया में हर जगह सिर्फ धूम 3 की ही स्टोरीज चलें। धूम 3 के प्रमोशन के लिए आमिर खान के पास एक से बढ़कर एक तीर हैं, जिन्हें जब वो चलाएंगे तो उनकी प्लानिंग के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। आमिर खान ने धूम 3 के लिए 3-स्टेज प्रमोशन प्लान तैयार किया है। फर्स्ट स्टेज की शुरुआत 30 अक्टूबर से हो रही है, जिसमें टीवी पर धूम 3 के जबरदस्त प्रोमोस की बाढ़ आने वाली है। उसके बाद की कमान संभालेंगे अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा। अभिषेक और उदय जब धूम 3 का प्रमोशन करेंगे उस वक्त आमिर और कैटरीना कैफ प्रमोशन से दूर रहेंगे, ताकि अभिषेक उदय की न्यूज तो चले ही और मीडिया आमिर और कैटरीना को भी ढूंढता रहे। स्टेज 2 की कमान खुद कैटरीना कैफ अकेले संभालेंगी। कैटरीना पिछले कई महीनों से मीडिया के सामने नहीं आई हैं। रणबीर कपूर के साथ उनकी पिक्स आने के बाद तो कैटरीना ने खुद कई इवेंट्स में मीडिया से दूरी बनाए रखी थी। ऐसे में जब कैटरीना मीडिया के सामने आएंगी तो कैटरीना की न्यूज की धूम मच जाएगी। स्टेज 1 में आमिर अकेले धूम 3 का प्रमोशन करेंगे, वो भी देश भर की सड़कों पर घूम घूम कर ऐसा प्रमोशन करेंगे कि हर जगह सिर्फ आमिर की ही धूम होगी। और इस बार तो वो फिल्म में बाइक पर स्टंट भी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बगल में से आमिर खान बाइक पर आ जाएं और दे दें आपको धूम 3 देखने का इन्विटेशन। अभी तो सिर्फ न्यूज है जनाब, न्यूज से ही जब आप इतने एक्साइटेड हो गए तो जरा सोचिए तब क्या होगा जब धूम 3 के स्टार्स खुद व्यूअर्स के बीच आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से शाहरुख खान एक न्यू जॉनर में एंट्री करने की कर रहे हैं तैयारी। क्या है इस फिल्म में शाहरुख खान का रोल, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी।
शाहरुख स्टारर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कास्टिंग को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें आईं, लेकिन अब तक इस फिल्म के स्टोरी लाइन को लेकर किसी भी तरह की न्यूज मीडिया में नहीं आई है। और आज जूम पर एक्सक्लूसिवली शाहरुख स्टारर इस फिल्म की स्टोरी लाइन हम बताने जा रहे हैं। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, बवन ईरानी, सोनू सूद और विवांशा स्टार ऑफ दी फिल्म एक हाइस्ट की कहानी पर बेस्ड है, जिसमें शाहरुख खान एक चोर का रोल प्ले कर रहे हैं और फिल्म के बाकी स्टार्स इस फिल्म में उनके गैंग मेंबर्स की भूमिका में नजर आएंगे। क्यों है ना चौंकाने वाली खबर। इस फिल्म के टाइटल को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म कोई लव स्टोरी हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फिल्म एक थ्रिलर होगी और इस फिल्म से शाहरुख बिल्कुल एक नए जॉनर में एंट्री करने जा रहे हैं। वैसे शाहरुख की इस फिल्म का कंपैरिजन आमिर स्टारर फिल्म धूम 3 से भी जरूर होगा, क्योंकि धूम 3 में आमिर खान भी एक चोर का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे में धूम 3 के रिलीज होने के तुरंत बाद शाहरुख पर ये भी प्रेशर आ जाएगा कि वो किस हद तक अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में आमिर खान को चैलेंज कर पाते हैं। वैसे हैप्पी न्यू ईयर की सबसे बड़ी यूएसपी तो यही होने वाली है कि शाहरुख खान को पहली बार ऑडियंसेस एक चोर के अवतार में देखेंगे। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बीच पिक्चर्स मीडिया में लीक हो जाने के बाद से कैटरीना कैफ मीडिया को अवॉइड कर रही है, लेकिन रणबीर कपूर ने इस इंसिडेंट के बाद भी मीडिया से कई इवेंट्स पर इंटरेक्ट किया। पर अब जूम को खबर मिली है कि रणबीर ने एक फ्रेंड के एडवाइस पर मीडिया को अवॉइड करने की प्लानिंग कर ली है। आप भी देखिए किसने दिया है रणबीर कपूर को ये सजेशन। फिल्म बेशर्म के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान रणबीर कपूर मीडिया के इन सवालों को सुनकर काफी इरिटेट हो गए थे। क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ हमें मोहब्बत, क्या आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वजह रही कि रणबीर कपूर ने फिल्म बेशर्म की और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर दिया। फिल्म बेशर्म की रिलीज के वक्त हर कोई यही बात कर रहा था कि आखिर रणबीर अपनी इस फिल्म को जोरों शोरों से प्रमोट क्यों नहीं कर रहे, और अब जूम को इन सवालों का जवाब मिल गया है। सोर्सेज का कहना है कि बेशर्म के मेकर्स ने प्रमोशन का लंबा चौड़ा प्लान बना रखा था, लेकिन फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर ही रणबीर से मीडिया ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि रणबीर ने अपने फिल्म के मेकर्स को बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैंसिल करने के लिए कह दिया। उस पिक्चर्स के बारे में दो शब्द अगर कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे जो पिक्चर्स आई हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमेटिक आंसर्स अभी दे दिए। बस मैंने जवाब दिया, मैं एक और जवाब सोचता हूँ। उस पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। वैसे रणबीर कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का ये फरमान अपने फिल्म के मेकर्स को ही नहीं बल्कि अपने ब्रांड्स को भी जारी कर दिया है। सोर्सेज की माने तो रणबीर ने फिलहाल अपने ब्रांड से कहा है कि वो कोई ऐसे इवेंट्स नहीं करने वाले जहां उन्हें मीडिया से इंटरेक्ट करना होगा। वैसे लगता है रणबीर कपूर को मीडिया को अवॉइड करने का ये आइडिया कैटरीना कैफ ने दिया है, क्योंकि इन बीच पिक्चर्स के लीक हो जाने के बाद अब तक कैटरीना कैफ ने कोई भी मीडिया इवेंट अटेंड नहीं किया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि रणबीर और कैटरीना की मीडिया को बॉयकॉट करने की ये स्ट्रेटजी उनके लिए कितनी सही साबित होती है। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। सनी लियोनी ने अपनी अपकमिंग फिल्म रागिनी MMS2 के मेकर्स को ये कहकर चौंका दिया है कि वो इस फिल्म में कोई भी बोल सीक्वेंस की शूटिंग नहीं करेंगी। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। मेकर्स ने फिल्म में सनी को एक बोल्ड टॉपलेस सीन करने के लिए कहा है। फिल्म मेकर्स के मुताबिक ये सीन फिल्म के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोर्सेज की माने तो अपनी इमेज मेकओवर में लगी सनी लियोनी ने इस फिल्म के मेकर्स को बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ऐसे कोई भी सीन्स शूट नहीं करने वाले। और यही वजह है कि अब रागिनी MMS2 के मेकर्स ने फैसला किया है कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए इस सीन को फिल्म में शामिल करेंगे। वेल, सनी लियोनी बॉलीवुड में हर तरह की फिल्म्स करना चाहती है, यही वजह है कि अब वो अपनी इमेज सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सलमान खान ने किसी के लिए खरीदा है 1.5 करोड़ रुपीस का एक तोहफा, कौन है वो लकी इंसान, लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान अपने फ्रेंड्स को कभी महंगी से महंगी बाइक तो कभी अपनी गाड़ी तक गिफ्ट कर देते हैं। ऐसे में अगर सल्लू भाई को ईद पर अपनी सिस्टर को ईदी के तौर पर कोई तोहफा देना हो तो वो तोहफा तो खास होगा ही। जूम को खबर मिली है कि सलमान खान ने अपनी सिस्टर अर्पिता को ईदी के तौर पर एक खास तोहफा दिया है, और ये तोहफा है एक डायमंड ब्रेसलेट। जी हाँ, सलमान ने पूरे 1.5 करोड़ रुपीस का एक ब्रेसलेट अपनी सिस्टर अर्पिता को गिफ्ट किया है। और सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने खुद अपनी अपकमिंग फिल्म किक की एक्ट्रेस सना खान के साथ जाकर अर्पिता के लिए ये गिफ्ट खरीदा है।
वेल, सलमान खान अपने हर फैमिली मेंबर्स का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। ऐसे में भले ही इस 1.5 करोड़ रुपीस के गिफ्ट की ये न्यूज कुछ लोगों को सरप्राइजिंग लगे, लेकिन जो लोग सलमान खान को अच्छी तरह से जानते हैं, ये न्यूज उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जू मुंबई। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या 2 की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई है। क्या है इसकी वजह, आइए खुद राम गोपाल वर्मा से ही जानने की कोशिश करते हैं। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या 2 की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। रामो की ये फिल्म अब 25 अक्टूबर की जगह 8 नवंबर को रिलीज होने वाली है। राम गोपाल वर्मा पिछले कुछ समय से अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने में जोरों शोरों से लगे हुए थे, लेकिन अचानक फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि रामो ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी। जूम ने इस मामले में रामो से ऑफिशियली उनका बयान लेने की कोशिश की। इस पर रामो का कहना था, अरुण शर्मा इज द ओनर ऑफ LR एक्टिव रॉयल हु इज वन ऑफ द पार्टनर्स इन सत्या 2। We were told not to associate with him, the details of which I cannot divulge. So we are postponing the release from October 25th to November 8th. Well, Ramu ne is news ko to confirm kar diya ki Satya 2 ab 8th November ko release hogi. Lekin unhone release ke postpone hone ki wajahon ki puri details share karne se inkar kar diya. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को हमने स्पॉट किया एक सोशल कॉज इवेंट को सपोर्ट करते हुए, और यहां सोनाक्षी ने इस कॉज से जुड़ने के एक्सपीरियंस को किया मीडिया से शेयर। सोनाक्षी सिन्हा देखी एक चैरिटी इवेंट पर इनॉग्रेटिंग अ मोबाइल एम्बुलेंस फॉर केयर्स, और इस एसोसिएशन से सोनाक्षी काफी खुश थी। शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस टू विद द मीडिया। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक द इनिशिएटिव दैट दे टेक इन द स्माइल फाउंडेशन। आई हैव एक्चुअली इंटरेक्टेड विद देम ट्वाइस बिफोर। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट दीस लवली वंडरफुल किड्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आई वाज प्रमोटिंग SOS इन दिल्ली, एंड देन आफ्टर दैट आई मेट देम। आई हैड अ लिटिल स्क्रीनिंग फॉर द बंग 2 फॉर देम, एंड नाउ आई हैव कम हियर फॉर दिस wonderful initiative. I'm so happy. I wish them all the very best, and if my presence here could create awareness about this van that they're going to be sending out into the slums to help various people, women, children, anybody who needs help, basically I'm so happy that I could be of any help. Yahan aayi Sonakshi ne hame apni association ke bare mein to bataya, lekin apni upcoming film Bullet Raja ke new song ke bare mein pucha gaya to ye kehkar palla jhaad diya. The brand new song of Bullet Raja has just come out, and you know there are reports that you actually did an impromptu jig with but now we're here for Smile Foundation. But if you could just tell us a little bit. I'll tell you later when you come for that promotion. तो कुछ इस तरह अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर सोनाक्षी ने एक सोशल कॉज को सपोर्ट किया। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, जूम मुंबई। संजय दत्त के फैंस के लिए आ रही है एक बड़ी खबर, क्योंकि संजय दत्त को मिल सकती है बड़ी राहत। क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। संजय दत्त को आने वाले दिनों में एक बड़ा जश्न मनाने का मौका मिल सकता है। संजू के फैंस को मिल सकती है एक बड़ी खुशखबरी, क्योंकि खबर आई है कि गवर्नमेंट 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में जिन चार दोषियों की सजा माफ करने के लिए कोशिशें कर रही है, उनमें संजय दत्त का नाम भी शामिल है। सोर्सेज की माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने संजय दत्त सहित 3 और आरोपियों की सजा कम करने के मामले में महाराष्ट्र गवर्नमेंट से राय मांगी है। रिपोर्टेडली गवर्नमेंट के इस मूव का रीजन एक PIL को माना जा रहा है, जिसमें मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी संजय दत्त और इस केस में दोषी करार दिए गए 3 और आरोपियों की सजा कम करने की अपील की गई है। फिलहाल सारा मामला महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से की जाने वाली रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं कि संजय दत्त और उनके साथ 3 और दोषियों के लिए ये मामला रे ऑफ होप बन सकता है। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। जिया खान के अलेजेड सुसाइड केस में आ रही है एक बड़ी खबर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिया खान की मॉम राबिया खान की पेटिशन पर सुनवाई करते हुए पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि इस मामले को वो री इन्वेस्टिगेट करें। हम आपको बता दें कि राबिया खान ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस मामले को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, और राबिया ने इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का सहारा लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में पेटिशन दायर की थी। वेल, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहती है या फिर री इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को किसी और का पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। बच्चन फैमिली हर साल करवा चौथ फेस्टिवल धूमधाम से सेलिब्रेट करती है, और इस साल बच्चन फैमिली की करवा चौथ फेस्टिवल को जूम ने एक्सक्लूसिवली अपने कैमरा में कैप्चर किया। टेक अ लुक।
जूम आपको हर साल बच्चन फैमिली के करवा चौथ सेलिब्रेशन से जुड़ी हर अपडेट देता है। इस साल भी जूम ने बिग बी जया बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या को अपने कैमरा में कैप्चर कर ही लिया। बता दें कि अभिषेक इस वक्त इंडिया में नहीं है एज ही इज बिजी शूटिंग फॉर हिज नेक्स्ट, और ऐश्वर्या ने अपने हस्बैंड को स्काइप के थ्रू देखा और अपना फास्ट खोला, जिसका जिक्र बिग बी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी किया। अभिषेक आउट ऑफ द कंट्री ऑन शूट, सो फेस ऑफ हस्बैंड सीन थ्रू स्काइप फॉर करवा चौथ बाय ऐश्वर्या। व्हाट टाइम्स वी लिव इन। वेल, सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ये भी पता चला कि सिर्फ ऐश ने ही नहीं बल्कि अभिषेक ने भी करवा चौथ का फास्ट रखा था। वर्किंग आउट व्हेन यू हैवंट ईटन ऑल डे, बैड आइडिया। माय फर्स्ट करवा चौथ अवे फ्रॉम द मिसेस, थैंक गॉड फॉर फेस टाइम। तो कुछ इस तरह बच्चन फैमिली ने सेलिब्रेट किया करवा चौथ फेस्टिवल। फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई। रिसेंटली फिल्म भाग मिल्खा भाग का ऑफिशियल डीवीडी लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। हैव अ लुक। भाग मिल्खा भाग के डीवीडी लॉन्च पर आए राकेश ओम प्रकाश मेहरा लगता है मन बनाकर आए थे कि सिर्फ फिल्म से जुड़ी ही बातें करेंगे, इसलिए तो मीडिया इंटरेक्शन जैसे ही शुरू हुआ तो राकेश जी ने कुछ ऐसा कह दिया। टुडे आई थिंक आई गैदर्ड फॉर द लॉन्च ऑफ भाग मिल्खा भाग डीवीडी एंड ब्लू रे। इफ वी गो ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स बिटवीन अस, देयर विल बी 25 मोर फिल्म्स टू टॉक अबाउट। I will not tell you what is that film about. और जैसे ही इवेंट आगे बढ़ा तो हमने फरहान से पूछा कि क्या उन्हें लगता है इंडस्ट्री में भाग मिल्खा भाग जैसी और इंस्पिरेशनल फिल्म्स बननी चाहिए, तो फरहान के पास तो जवाब था, लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिर से एक सेफ आंसर देकर बात को डाल दिया। I find it very difficult to tell people what they should make. And similarly, I don't know if I would accept if somebody else was telling me that I should make a certain kind of film. I don't have answer. फिर बारी आई सोनम की, जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन ऑन इंटेलेक्चुअल फिल्म्स एंड ब्रेनलेस कॉमेडी फिल्म्स। आई काइंड ऑफ लाइक नो एंट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, यू नो, इट वाज माय डैड वाज इन इट, देयर वाज दिस लाइन कॉल्ड बी पॉजिटिव, आई स्टिल थिंक अबाउट इट एंड लाफ। सो आई मीन इट्स, यू नीड अ बिट ऑफ बोथ, यू नो, एंटरटेनमेंट एंड लाइक ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट, एंड समटाइम्स यू नीड अ मैसेज एंड अ स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक बोथ वर्क नाउ। Sometimes I just don't want to think about things and watch movies, and sometimes I want to think about things and watch movies and get entertained. So you can't be judgmental about anything. Sonam ne to media ko properly explain kiya what she thinks about such films. Lekin ek bar phir Mr. Mehra ko ye sawal bhi pasand nahi aaya. I think they've been very patient in answering this. It's a very redundant question. लगता है he was in no mood to interact with the media at this event, क्योंकि राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने यहाँ किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आमिर खान ने राजकुमार हिरानी से पीके की शूटिंग स्केड्यूल के बीच में ही क्यों ली छुट्टी, और साथ ही बताएंगे बेशरम के फ्लॉप हो जाने के बावजूद क्यों रणबीर कपूर को हुआ है फायदा। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी खबर आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सलमान खान का रियलिटी शो टेलीविजन पर अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर शोज में से एक है। ऐसे में हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म को इस शो पर प्रमोट करना चाहता है, लेकिन रिसेंटली खबर आई थी कि सलमान और ऋतिक के खराब रिश्तों की वजह से इस शो पर ऋतिक अपनी फिल्म को प्रमोट नहीं करेंगे। पर अब सुनने में आया है कि ऋतिक की जगह इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सलमान खान के शो में क्रिश 3 को प्रमोट करने जाएंगी। खबरों की माने तो अक्षय कुमार के साथ रीमेक फिल्म गब्बर में करीना कपूर एक आइटम नंबर करते हुए नजर आ सकती है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थी कि करीना को इस फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट साइन कर दिया गया है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि करीना को इस फिल्म के लिए साइन तो जरूर किया गया है, लेकिन सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए। वैसे करीना इससे पहले भी अक्षय की फिल्म राउडी राठौड़ में एक आइटम नंबर कर चुकी है। रणबीर कपूर की फिल्म बेशर्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं किया हो, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के खराब बिजनेस का असर रणबीर कपूर की जेब पर नहीं पड़ा है। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर ने फिल्म बेशर्म के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि संजय दत्त की वाइफ मान्यता और शिल्पा शेट्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अब लगता है कि इन दोनों फैमिलीज के बीच मैचअप हो गया है, क्योंकि रिसेंटली संजय दत्त के ट्विंस की बर्थडे पार्टी पर शिल्पा और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा पहुंचे थे।
खबरों की माने तो फिल्म पीके की शूटिंग में बिजी आमिर खान ने राजकुमार हिरानी से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है ताकि वो जल्द से जल्द मुंबई लौटकर फिल्म धूम 3 के ट्रेलर को फाइनलाइज कर पाए। आमिर खान की फिल्म का ये ट्रेलर 30 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। एक्टर वरुण धवन ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में डेब्यू के तुरंत बाद कई प्रोजेक्ट साइन किए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वरुण के साइन किए गए प्रोजेक्ट्स में से सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म श्रीराम राघवन की एक फिल्म है जिसे सैफ अली खान का प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। ऐसे में पूरा बॉलीवुड चाहता है कि वो मास्टर ब्लास्टर को एक आखिरी बार ग्राउंड पर प्ले करते हुए देखे। यही वजह है कि शाहिद कपूर, प्रभुदेवा, वरुण धवन, अनुराग बासु, इम्तियाज अली और मिलन लुथिया ने वानखेड़े स्टेडियम में होने जा रहे मैच की टिकट्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। सुनने में आया है कि फिल्म क्रिश 3 में कंगना रनौत के ड्रेसेस को बनाने में प्रोड्यूसर्स ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और साथ ही ये ड्रेसेस फ्रांस के उसी शहर से मंगवाए गए हैं जहां पर हॉलीवुड फिल्म्स बैटमैन और लारा क्रॉफ्ट टूम रेडर जैसी फिल्म्स के ड्रेसेस तैयार किए गए थे। आमिर खान के टेलीविजन शो सत्यमेव जयते का सेकंड सीजन जनवरी 2014 में आप फिर से देख पाएंगे। इस शो को बना रही टीम ने इस सीजन के एपिसोड्स के लिए रिसर्च वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और अगर अब सब कुछ ठीक रहा तो ये शो जनवरी में फिर से आप देख पाएंगे। पूजा बेदी और उनके फादर कबीर बेदी के बीच की प्रॉब्लम्स अब खुलकर सामने आ गई है। पूजा बेदी ने अपने फादर से कहा है कि वो उनकी मॉम के जुहू वाले फ्लैट को छोड़कर बाहर निकल जाए। दरअसल पूजा अपने डैड के पार्टनर से खुश नहीं है। नागेश कुकनूर चाहते हैं कि उनकी अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्रमोट करे क्योंकि इस फिल्म से उस सुपरस्टार का है एक खास कनेक्शन। कौन है ये सुपरस्टार, आइए नागेश से ही जानते हैं। इकबाल, डोर, आशाएं और मोर जैसी फिल्म करने वाले डायरेक्टर नागेश कुकनूर तैयार हैं अपनी नेक्स्ट फिल्म लक्ष्मी को लेकर। नागेश की ये फिल्म भी एक सोशल इशू पर बेस्ड है जिसके बारे में जानते तो सभी हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। जी हाँ, नागेश की ये फिल्म चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कहानी है। There are so many such tales of heroism and unfortunately these voices are all hidden and you know sort of suppressed. There was this one particular tale which I felt best sort of encapsulated all these stories. There are many tales here that have been incorporated into Lakshmi, but it's the central story of this girl, you know, standing up against her traffickers, and I cannot imagine the kind of strength and courage that requires. So, I have always been drawn to human stories that display heroism. And this is central among that. नागेश की इच्छा है कि इस फिल्म को बॉलीवुड का एक सुपरस्टार प्रमोट करे क्योंकि इस फिल्म का नाम उस स्टार के एक एनजीओ से मिलता जुलता है। That would be the dream scenario if he does come forward and endorse this film. It would be wonderful because having the support of someone like him would be tremendous for this cause. जी हाँ, नागेश कुकनूर की इस फिल्म का नाम है आर वी बीइंग ह्यूमन लक्ष्मी। लाजमी है यहाँ पे बात हो रही है सलमान खान की ही। वेल, अब देखने वाली बात होगी क्या सलमान नागेश की इस रिक्वेस्ट को कबूल करते हैं। वैसे इस फिल्म में नागेश खुद एक रोल प्ले करने वाले हैं जिसके बारे में नागेश ने हमें बताया। प्रॉब्लम ये था कि मुझे लगा ये चिन्ना जो आई गेस वन ऑफ द विलन्स है फिल्म के वो हैदराबादी है एंड नॉर्मली जब एक्टर्स को लेता हूँ मैं हैदराबादी एक्सेंट करने के लिए तो दे रियली मेस्ड अप। आई फेल्ट दैट उस रोल को मैं ठीक तरह से कर पाऊँगा। वेल, ये तो जैन 17 की ऑडियंस जज करेगा, जब तक तो आई थिंक आई हैव डन अ डीसेंट जॉब, लेट्स सी। नागेश के साथ साथ फिल्म मेकर सतीश कौशिक भी इस फिल्म में एक अहम रोल निभा रहे हैं लेकिन सतीश का ये रोल है नेगेटिव जिसकी वजह से उन्हें भी डर लग रहा है। दिस वाज क्वाइट डिफरेंट, दो आई वाज वेरी स्केयर्ड एंड इवन नाउ आई एम स्केयर्ड बिकॉज़ टू प्ले एंड टोटली अ नेगेटिव कैरेक्टर व्हिच इज नॉट लाइकेबल, यू नो। वेल, नागेश की इस फिल्म का सब्जेक्ट काफी सेंसिटिव है, ऐसे में भी होप इस फिल्म को लेकर कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना खड़ी हो और नागेश जिस मैसेज को देना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑडियंसेस के बॉलीवुड ज्ञान को चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चटर्जी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटर अटी में। टीम नंबर्स तो आपको बॉलीवुड के तो पता ही है कौन कौन से हैं। एक एक एक्ट्रेस का नाम लेती हूँ मैं एक एक करके और उनके कौन कौन से एक्टर नंबर है वो देखते हैं, ठीक है? तो ऐश्वर्या से शुरू करते हैं। ऐश्वर्या का देवदास में है शायद,
देवदास में आइटम नंबर कहाँ था? अच्छा तो कजरारे किसका था? अच्छा और इसका करीना का कौन सा है? करीना का पहली कॉल से। करीना को बिल्कुल पता है। अभिया है ना उसका, अभिया है ना। अच्छा हल्कट जवानी भी। अच्छा और इसका कटरीना का? कटरीना का शीरा की जवानी, फिर चिकनी चमेली। अच्छा और मलाइका का? मुन्नी बदनाम। मलिका शेरावत का? इसका शेरावत जलेबी भाई। अच्छा उसका जलेबी भाई का स्टेप आता है। अच्छा आमिर खान का कौन सा है आइटम नंबर? आमिर खान का वो दिल्ली बिल्ली में ना। अरे वाह, जो सबसे खास है आपका आइटम नंबर? करीना का ही है, फेविकॉल से ही। मैं एक एक एक्ट्रेस का नाम पूछूंगी, उसे आप एक एक बताइए कि किस कौन सी एक्ट्रेस ने कौन सा बॉलीवुड आइटम नंबर किया है। तो सबसे पहले ऐश्वर्या राय। कजरारे। ठीक है, तो करीना कपूर उसके तो बहुत है। हल्कट जवानी। हल्कट जवानी और एक और है बहुत फेमस हुआ था, कभी फेवी कॉल। फेवी कॉल। कटरीना कैफ। चिल्ला की जवानी। चिकनी चमेली। और मलिका शेरावत। जलेबी भाई। जलेबी भाई का एक स्टेप मैं देख सकती हूँ। अच्छा और मलाइका अरोरा खान का? मलाइका। और प्रियंका चोपड़ा का कौन सा था? अभी पिंकी। पिंकी बबली वाला। और अभी कौन सा आने वाला है पता है आपको? प्रियंका चोपड़ा का। तो हीरो का बताइए, आमिर खान का कौन सा आइटम नंबर? प्यार। और सबसे बुरी जो आइटम नंबर आइटम गर्ल रहेगी, मतलब जिसका फिगर नहीं है ज्यादा अच्छी भी नहीं लगी, कौन होगी? विद्या बालन। देखते हैं आइटम नंबर? हाँ देखते हैं। देखते घर पे मारनी पड़ती? चुप के देखते हैं कभी कभी। अच्छा तो शुरू करते हैं, मैं एक एक्ट्रेस का नाम लूंगी, उसने बताएगा कौन सी एक्ट्रेस ने कौन सा आइटम नंबर किया है। ठीक है, पहले दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का अभी ढोल रंगलीला पिक्चर। आइटम नंबर स्पेशल सॉन्ग होता है वो, तो पूरी फिल्म है ना, तो कोई स्पेशल सॉन्ग कौन सा उसका? दीपिका पादुकोण नहीं पता, याद नहीं अभी। याद नहीं है? दम मारो दम। हाँ दम मारो दम वो पता है। और करीना कपूर? फेविकॉल से दबंग टू। दबंग। हाँ और उसका एक स्टेप आता है आपको कोई? अच्छा तो कटरीना कैफ। चिकनी चमेली। चिकनी चमेली। और ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। कजरारे। विद्या बालन ने कोई किया? नहीं। उलाला उलाला। विद्या बालन ने नहीं किया, उलाला तो पूरी फिल्म उसकी है। और इसके बाद मलाइका अरोरा खान। मलाइका। मलाइका। मुन्नी बदनाम। मुन्नी बदनाम। मल्लिका शेरावत। मल्लिका शेरावत। उसका नहीं पता मेरे को। जलेबी भाई। जलेबी भाई। हीरोइंस की तो बात हो गई, मगर ऐसा हीरो कौन सा है जिसका आइटम नंबर है? वेरी गुड वेरी गुड। आमिर खान का कौन सा है? आमिर खान ने बड़ी प्रमोशन भी करी थी, बहुत फेमस हुआ था ये आइटम नंबर उसका। डिस्को। एक्ट्रेस ऐसी कौन सी है जो आपको लगता है बिल्कुल कभी आइटम नंबर करना ही नहीं चाहिए, कि उसके पास फिगर भी नहीं है, आइटम गर्ल का कुछ नहीं है, कि करना ही नहीं चाहिए? रानी मुखर्जी। हाँ राइट। बुटू बैंगन है और कुछ है नहीं उसमें। विद्या बालन भी ज्यादा वो तो है ही नहीं उसका आइटम नंबर। डर्टी पिक्चर में ठीक थी। हाँ वो डर्टी में कहा है, वो डर्टी है उतनी भी। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। चल इस खूबसूरत बीच पर मैं आज मैं अकेले नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ है खूबसूरत सुपर मॉडल जो यहाँ पे आज कुछ खास इंटरेस्टिंग कर रही हैं। वीना वेलकम टू जूम। थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है पूरे फुल गाउन में, वो भी बीच पर? वेल इट्स अ ब्यूटीफुल गाउन, इट्स नॉट अ गाउन गाउन, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेमी कैजुअल काइंड ऑफ एन आउटफिट। क्या वीना अपना इमेज चेंज करना चाहती हैं? आई एम प्रीटी कूल विद माई इमेज। द इमेज आई हैव इज अ हॉट एंड सेक्सी बेब का इमेज, एंड आई एम प्रीटी कूल विद दैट बिकॉज द ऑरा आई कैरी इज वेरी kind of a hot and sexy, but yes, there are other dimensions to my personality too. I'm not only hot, I'm very cute at sometimes. I have a wild side to me, I have a cute side to me, I have a very traditional side to me. It's just that, you know, there are various other sides. और इसके साथ आप मल्टी टैलेंटेड बन चुके हैं, सुनिए मैंने बहुत जल्द एल्बम भी लॉन्च करी जिसमें आपने गाना गाया है वीना, क्या है वो? वेल आई एम मल्टी टैलेंटेड, इट्स जस्ट दैट यू पीपल डोंट नो अबाउट मी येट। मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी कर सकती हूँ, मैं बहुत
स्टैंड अप कॉमेडी में आई थिंक आई एम अमेजिंग. गाना आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर बट अभी मेरा दूसरा जो सोलो है इट विल बी रिलीजिंग वेरी सून बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह विद द टाइटल ऑफ रम. पहले मेरा एक जो सोलो है ड्रामा क्वीन दैट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड. सो येस आई थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स शुरू तो मस्ती मस्ती में किया था गाना बट आई थिंक आई टेक इट मोर सीरियसली इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. ये थी वीना मलिक जिन्होंने अपना फोटो शूट का और अपनी फिल्मों का एक्सपीरियंस बताया. कैमरामैन मंजीत ठाकुर के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई. शुरू हो गया है FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014. इस इवेंट के डे 3 की फुल कवरेज तो आज रात 9:30 PM को आप देख ही सकते हैं एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom. बट इस इवेंट के डे 3 पर कौन कौन से डिजाइनर्स ने किया पार्टिसिपेट, लेट्स फाइंड आउट. Zoom आपके लिए ले आया है FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 के Day 3 की full coverage. और आज इस special fashion event की full coverage आप देख सकते हैं tonight at 9:30 PM. But before you tune in at 9:30 PM, we will give you a gist of this fashion event. इस इवेंट की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है. डे 3 पर एस फैशन डिजाइनर्स लाइक निकेतन जैने, प्रतिमा पांडे, राजदीप रनावत, मृणालिनी देव नील, नम्रता जोशीपुरा, रोहित गांधी और राहुल खन्ना ने किया पार्टिसिपेट. साथ ही और भी कई फेमस डिजाइनर्स लाइक संचिता, रुचिका सचदेव, जुबैर किरपानी, पायल प्रताप टू शोकेस देयर वंडरफुल कलेक्शन. That's not the end. ये तो सिर्फ इस glamorous और happening fashion show की एक छोटी सी glimpse थी. For more on this, do watch the full episode of FDCI presents Will's Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2014 tonight at 9:30 PM only on Zoom, India's number one Bollywood channel. Bureau report, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. सनी लियोनी ने रिपोर्टेडली रागनी MMS2 के मेकर्स को एक टॉपलेस सीन करने से साफ इनकार कर दिया है. जूम पहले ही सनी का इमेज मेकओवर प्लान रिवील कर चुका है आपको ये बताकर कि सनी माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहती हैं। I always look up to somebody like माधुरी दीक्षित. पर जहां सनी माधुरी जैसा बनने के सपने सजाए बैठी हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस वाली इमेज को ध्यान में रखकर सनी के पास लगातार बोल्ड रोल के ऑफर्स आ रहे हैं. ऐसे में रागनी MMS2 का टॉपलेस सीन रिफ्यूज करना सनी की डिमांड कम कर सकता है. खबर है कि आमिर के टेलीविजन शो का सेकंड सीजन जान 2014 में शुरू हो सकता है. रिपोर्टेडली इस शो के नेक्स्ट सीजन के लिए आमिर की टीम ने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया है. वैसे आमिर के शो का लास्ट सीजन भले TRPs की रेस ना जीत पाया हो पर ऑडियंसेस के दिल को छूने में कामयाब हुआ था. हालांकि डॉक्टर्स के प्रोफेशन पर शो में सवाल उठने पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी खड़ी हुई. सुनने में आया है कि पुराने डिफरेंसेस की वजह से ऋतिक भले सलमान के शो में अपनी फिल्म को प्रमोट ना करने गए हों, पर क्रिश 3 की दोनों एक्ट्रेसेस कंगना और प्रियंका एक एक कर सलमान के रियलिटी शो में जा रही हैं. कंगना के बाद अब बारी है क्रिश 3 की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की, जो जल्द ही सलमान के शो में क्रिश 3 के प्रमोशन के लिए जाने वाली है. दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऋतिक ने सलमान के शो में जाना डेलिबरेटली अवॉइड किया है. हालांकि ऋतिक कपिल के शो में अपनी फिल्म का प्रमोशन करते नजर आएंगे. रिसेंटली अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म गब्बर में अकी के ऑपोजिट करीना का नाम फाइनल होने की खबर आई थी, जो महज एक रूमर साबित हो गई है. सोर्सेस की माने तो करीना गब्बर में एक इम्पोर्टेंट आइटम नंबर करेंगी, पर अक्षय के ऑपोजिट लीड रोल के लिए उनका नाम फाइनल नहीं हुआ है.
सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट की खबर से बॉलीवुड भी हिल गया है। शाहिद कपूर, प्रभु देवा, वरुण धवन, अनुराग बासु और इम्तियाज अली जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सचिन के वानखेड़े में होने वाला लास्ट मैच मिस नहीं करना चाहते, इसलिए सबने अभी से टिकट अरेंज करना शुरू कर दिया है। यानी हो सकता है कि बॉलीवुड के कई बिगी सचिन का लास्ट मैच देखते हुए नजर आए, पर हो सकता है शाहरुख खान वानखेड़े में नजर न आए क्योंकि MCA ने उन पर बैन लगाया था। पिछले दिनों खबर आई थी कि आदित्य चोपड़ा आमिर खान को धूम 3 का रफ एडिट दिखाने से कतरा रहे हैं। वहीं अब सुनने में आया है कि आमिर ने पीके के डायरेक्टर राजू हिरानी से धूम 3 का फाइनल फर्स्ट लुक तैयार करवाने के लिए छुट्टी मांगी है। रिपोर्टेडली अक्टूबर 30th को धूम 3 का फर्स्ट लुक रिवील हो रहा है और आमिर चाहते हैं कि रिलीज से पहले वो धूम 3 का ट्रेलर जरूर देखें। राम गोपाल वर्मा ने इस वीक रिलीज होने वाली सत्या 2 की रिलीज पोस्टपोन कर दी है। अक्टूबर 25th की जगह ये फिल्म अब नवंबर 8th को रिलीज होगी। रामू की माने तो उनके फिल्म पोस्टपोन करने का रीजन किसी इन्वेस्टर के साथ कोई इशू है, पर इससे आगे उन्होंने सत्या 2 की रिलीज पोस्टपोन का डिटेल रीजन बताने से इनकार कर दिया है। खबर आई है कि सलमान खान ने ईद के तोहफे यानी ईदी के तौर पर अपनी सिस्टर अर्पिता को 1.5 करोड़ का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। रिपोर्टेडली सलमान से अर्पिता को मिला ये गिफ्ट एक डायमंड ब्रेसलेट है। वैसे ये तो सभी को पता है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए सलमान हमेशा दिलदार रहते हैं, इसलिए सिस्टर अर्पिता को 1.5 करोड़ का गिफ्ट देना बड़ी बात नहीं है। फिल्म्स के रिलीज से पहले स्टोरी लाइन रिवील होने के कई रूमर्स आते हैं। अब की बार SRK और फराह की अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की स्टोरी लाइन रिवील होने का अपडेट आ रहा है। इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में यही गॉसिप छाई हुई है कि SRK दीपिका स्टारर हैप्पी न्यू ईयर दरअसल एक आइस्ड फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान एक चोर का रोल प्ले कर रहे हैं और फिल्म में दीपिका और बाकी स्टार्स SRK की गैंग के मेंबर्स के तौर पर नजर आने वाले हैं। आमिर खान ने धूम 3 के लिए एक सीक्रेट प्रमोशनल प्लान तैयार किया है। जूम के अलावा बाकी मीडिया को अब तक आमिर के इस खास प्लान की कोई भनक नहीं लगी है। आमिर अब तक अपनी हर एक फिल्म के लिए कुछ यूनिक प्रमोशन स्ट्रेटजी तैयार करते आए हैं। सोर्सेस की माने तो उन्होंने ऐसा ही एक खास प्लान धूम 3 के प्रमोशन के लिए भी तैयार किया है, जिसमें 3 स्टेज पर फिल्म का अलग अलग प्रमोशन होगा। रिपोर्टेडली आमिर ने धूम 3 के प्रमोशन में बाकी स्टार्स का रोल भी फिक्स कर दिया है। इस खबर का कम्प्लीट डिटेल्स जानने के लिए देखते रहिए जूम। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर, क्या है ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। आज टुडेज ट्विटर क्वेश्चन वाज, शुड एक्टर्स बी अलाउड टू डिसाइड द प्रमोशनल स्ट्रेटजी ऑफ देयर फिल्म्स, और इस पर हमें आए कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स। टेक अ लुक। आई डोंट थिंक एक्टर्स हैव द क्राफ्ट और बिजनेस एक्यूमेन टू प्रमोट अ फुल फिल्म, दे मे जस्ट बी हैप्पी प्रमोटिंग देमसेल्व्स। यस ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट एवरीवन, द पब्लिक, द एक्टर देमसेल्व्स, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर एंड द को-एक्टर्स। Movies are made for the public, hence actors have the right to decide their own promotional strategies to express their view. If actor is hit, he can decide any kind of strategies, but unpopular actor should not be given any right by filmmakers. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News mein kal hum fir lautenge lekar Bollywood ki aur bhi latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.